हेलो एवरीवन, सो आज प्रीमिक्स में वी हैव टू और मतलब वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ईपीएफओ। ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, 2 जुलाई को एग्जाम है और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड और कुछ फैक्ट्स देख लेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कहाँ से क्वेश्चन को पूछ रहा था। ठीक है, अगर उस पर चलते हैं अभी तो थोड़ी देर में, आई थिंक 20 से 30 सेकंड में, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ये ऑप्शनल है, पीएसआईआर ऑप्शनल है, तो कल 17 जून को आप फ्री वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल अटेंड करें, खूब भालू लगेगा आपको। भालू मतलब भालू नहीं, बियर नहीं, अच्छा लगेगा आपको। सो डू जॉइन इट। तो आगे चलते हैं और अगेन प्रीमिक्स बहुत सारे बच्चों का आता रहता है कि सर प्रीमिक्स का पीडीएफ कहाँ है, तो उसके लिए अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, प्रीमिक्स स्लीपी क्लासेस, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, 10 मस्ट डू हिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी ईपीएफओ 2023। अनलाइक सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ईपीएफओ एग्जाम जो है हर साल नहीं आता। बस हम लोग आस लगा के बैठते हैं, जो भी बच्चे गवर्नमेंट मतलब सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि एक पीरियोडिक पैटर्न है, 2017 में आया, 2021 में आया, और यहाँ पे ना अब इसको आप स्पेसिफिकली बोल नहीं सकते हो कि 2021 है 2017 है, फॉर्म जो है डेट आया 2016 में, एग्जाम हुआ 2017 में, तो ये सब चलता रहता है। कहने का क्या मतलब है कि एग्जाम जो है रिकरिंग पैटर्न है, वो रेगुलर पैटर्न नहीं है। ठीक है सर, अब 10 क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं कितने गलत जरूर बताइएगा, और मैंने थोड़े कोशिश किए हैं टफ क्वेश्चंस निकालने की, कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि क्वेश्चन था कि इंडिपेंडेंस के टाइम में कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो ये हमने बहुत बार किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो अच्छे से कीजिएगा, जो भी मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति किसको रेफर करता है, शैवाइट फॉर्म ऑफ वर्शिप, वैष्णवाइट, इनकार्नेशन वर्शिप या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप। अगेन जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, आगे भी अभी हमारा एनसीईआरटी का कोर्स आने वाला है, वहां भी पढ़ेंगे, तो निर्गुण और वैसे भी इसके अलावा भी आपने पढ़ा होगा कि निर्गुण और शगुन भक्ति। शगुन भक्ति मतलब जब आप गॉड को विथ एट्रीब्यूट्स पूज रहे हो, जैसे विष्णु भगवान, शिव भगवान, उनको हम एक एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में बताते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब होता है ना ह्यूमन फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये जो है ये शगुन भक्ति का पार्ट है। इनकार्नेशन वर्शिप मतलब अगेन हम मानते हैं कि भगवान जो है मनुष्य का अवतार लेके आएंगे, तो अगेन यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है गॉड में। और जो निर्गुण भक्ति होता है वो क्या बोलता है कि जो रब है उसका कोई फॉर्म नहीं है, जैसे गुरु नानक जी ये निर्गुण भक्ति को मतलब क्या बोलते हैं प्रोपगेट करते थे या उसके प्रोपोनेंट थे वो। तो जब भी आप गुरु नानक जी को की मूवीज देखेंगे तो आप देखेंगे उनको एक प्रकाश पुंज की तरह दिखाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप। जब भी कोई क्वेश्चन आए पॉज कर लीजिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो क्लास 12th की एनसीईआरटी है, उसमें थीम 6 है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जो कि मतलब एक्चुअली क्लास 6th एनसीईआरटी से स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा, आप थीम 6 देख सकते हैं। शगुन और निर्गुण भक्ति, हमने देखा निर्गुण भक्ति मतलब रब हैज नो जेंडर और फॉर्म, और गुरु नानक सर इसके प्रोपोनेंट थे निर्गुण भक्ति के, और कौन कौन प्रोपोनेंट थे अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गुरु नानक सर इनका जो टाइम पीरियड है 1469 से 1539, और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि कौन कौन राजा आए, क्या कृष्णदेव रॉय के ये कंटेम्प्ररी हैं, क्या ये बाबर के कंटेम्प्ररी हैं, किसके किसके ये सर जो है गुरु नानक सर वो किसके कंटेम्प्ररी हैं, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला जो क्वेश्चन था 2021 का क्वेश्चन था ईपीएफओ का, सेकंड जो है 1617 का। अब ये क्वेश्चन है असम के बारे में, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, डोंट वरी, अगर 0 भी आए 10 में, 2 भी आए, 3 भी आए, बस एग्जाम में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। असम के बारे में पूछ रहा है करेक्ट क्या है, ये ध्यान से देखिएगा, करेक्ट इनकरेक्ट, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, पॉज कर लीजिए वीडियो, आंसर है इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1874 एंड अलॉन्ग विथ सिलहट मेड इन टू अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। चीफ कमिश्नर प्रोविंस मतलब अभी जैसे यूनियन टेरिटरी है उसी तरीके से पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस होते थे। ठीक है ना, 1824-26 अगर आपको याद हो उस टाइम ना फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था, जिसमें कि हमने क्या ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था बर्मा वालों को, या बर्मा में जो एक बहुत पावरफुल किंगडम था, अगेन अगर उस पावरफुल किंगडम का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसके बाद क्या हो गया, 1826 से 32 के बीच में कोशिश जारी रही ब्रिटिशर्स की कि जो आपका असम का पोर्शन है उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर लाया जाए, और 1832 तक वो लेके आ भी गए, और इसके 42 ईयर्स के बाद बंगाल से ये सेपरेट हो गया असम, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिलहट कहाँ है, अभी बांग्लादेश में। ये कुछ एरियाज है असम के, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, पीछे काछर में सिलचर है जहाँ NIT सिलचर है, उसी तरीके से आपको ऊपर, और ये डिस्ट्रिक्ट थोड़ा देखिएगा ना तो पता आपको अच्छा लगेगा, जैसे डिब्रूगढ़ है, तिनसुकिया है, ये कहाँ है ये थोड़ा लोकेट कर लीजिए, क्योंकि ट्रेन्स वहाँ जाती हैं, बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं होता, बहुत लोग तो ये बोलेंगे गुवाहाटी के बगल में है डिब्रूगढ़, इतने भी बगल में नहीं है, तो आपको वो चीज़ भी थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन 2021 का, यहाँ पूछा है नॉट
नॉट रिकमेंडेड इन मैकॉले 1835 मिनट ऑन एजुकेशन. अब ये चीज जो है बहुत बार हमने पढ़ा है जब ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट के बारे में पढ़ते हैं और एनसीईआरटीज में नॉन एनसीईआरटीज बुक में आप पढ़ते रहते हैं लॉर्ड मैकॉले के बारे में कि ये ओरिएंटलिस्ट थे, सॉरी ओरिएंटलिस्ट कह रहा हूँ, ये एक एंग्लिसिस्ट थे जो कि क्या बोलते थे कि जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस हैं या जो यहाँ के जो लिटरेचर्स हैं लोकल लिटरेचर्स वो कोई काम के नहीं है, हमें इनको इंग्लिश एजुकेशन देना पड़ेगा वगैरह वगैरह. तो टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम इन्होंने मतलब प्रोपगेट किया. पूछना क्या नहीं प्रोपगेट किया. अब देखो ये दो जो स्टेटमेंट्स हैं, बहुत पहले ऐसा होता था, आजकल तो यूपीएससी थोड़ा अलग लेवल पे चला गया है, सीएससी की बात कर रहे हैं. बहुत समय में पहले ऐसा होता था ना कि अगर ये दो सी और डी वाले ऑप्शंस आप देखेंगे, सिमिलर टाइप के ऑप्शंस हैं, मतलब इसमें से कोई एक ही सही हो सकता है, टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोन या टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न ओरिएंटल टेक्स्ट, मतलब सी और डी में से ही कोई एक आंसर होगा क्योंकि दोनों मतलब ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे लाए करते हैं. तो यहाँ पे वो ओरिएंटल एजुकेशन को कैसे प्रमोट करेंगे, वो तो इसके स्ट्रिक्ट अगेंस्ट थे. वो क्या थे, वो एक एंग्लिसिस्ट थे, वो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ये उन्होंने नहीं रिकमेंड किया. उन्होंने बोला वेस्टर्न टेक्स्ट अलोन जो है वो आप टीच करो, इम्पार्ट करो, ठीक है ना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं रिकमेंडेड था, डी, ठीक है. और ये जब मैं एनसीईआरटी बता रहा था, अभी भी मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे क्लास 6 7 8 एनसीईआरटी पे प्रीमिक्स में, वो देख सकते हैं, उसमें ये स्टेटमेंट है. हो सकता है इस बार ईपीएफओ इससे पूछ दे कहीं या कोई और एग्जाम पूछ दे, ठीक है ना. सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज ध्यान रहना चाहिए कि ये कोटेशन किसने दिया था. सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन अरेबिया, मैकॉले ने. इसी से आपको समझ में आ जाता है कि मैकॉले को कितनी रिस्पेक्ट है हमारे ओरिएंटल टेक्स्ट की, जब वो ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं. बहुत ही गड़ी बात, मतलब गलत बात है ये, और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं. तो फॉलोइंग मैकॉलेज मिनट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया और उसके बाद इनकी गलतियों को सुधारा 19 साल के बाद वुड्स डिस्पैच ने, जिसने के वर्नैकुलर एजुकेशन को भी एक हद तक प्रमोट किया, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं. तो ये कुछ बातें 8th एनसीईआरटी में भी हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 2016-17 के ईपीएफओ में ये आया था कि कौन से ऐसे पहले इंडियन थे जो कि जेल गए थे. अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा यूपीएससी का, रेयर है, लेकिन इससे ये हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हैं जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है. तो पहले ऐसे इंडियन जो जेल गए थे इन हिज परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट, तो आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी सर, जिन्होंने एक जर्नल निकाला. अब कहने का क्या मतलब है, इनके बारे में आप थोड़ा सा पीएचडी कर लीजिए कि इन्होंने एक जर्नल निकाला बंगाली, ठीक है ना. इसको इंडियन, इनको इंडियन राष्ट्रगुरु बोलते थे क्योंकि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना भी नहीं था उससे पहले ही इन्होंने हमारे कंट्री को यूनिफाई करने के प्रोसेस शुरू कर दिए थे. इनको इंडियन बर्ग भी बोला जाता है. तो और इन्होंने आईसीएस एग्जाम भी क्लियर किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिर इनको सिविल सर्वेंट बनने नहीं दिया ऑन वन प्रिटेक्स्ट और दिया अदर. इस पे यूपीएससी सीएससी में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं. दैट मीन्स सुरेंद्रनाथ बनर्जी सर काफी इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं और इन पे स्टैम्प भी इशू हो चुका है. तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है. इंडियन नेशनल एसोसिएशन 9 साल पहले इन्होंने स्टैब्लिश किया. 9 साल किससे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टैब्लिश होने से 9 साल पहले 1876 में कहा जाता है ये स्टैब्लिश हुआ. और एक साल के बाद 1885 के एक साल के बाद इसको मर्ज कर दिया गया कांग्रेस में. बंगाली याद रखिएगा इनका जर्नल था, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है ना, बनर्जी के एंड में लास्ट में दो ई, सिमिलरली बंगाली के एंड में लास्ट में दो ई, तो बनर्जी बंगाली. तो ऐसे आपको याद रहेगा ये चीज. ये जो मतलब पॉइंट है ना, क्लियर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, इस पे यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2016-17 का ईपीएफओ का क्वेश्चन है. हु इज द ऑथर ऑफ द वर्क द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस. अब जनरली इस तरह के क्वेश्चन है ना, फाइनेंस के, ड्रेन ऑफ वेल्थ के, तो बाय डिफॉल्ट पैटर्न आपका ये होगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी हिस्ट्री पता है, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको लगा यार ड्रेन ऑफ वेल्थ ये सब तो दादा भाई नेहरू जी सर कहते थे, तो दादा भाई नेहरू जी होंगे. नहीं, ये गलत है. आंसर है इसका बी.आर. अंबेडकर सर, उन्होंने ये किताब लिखी थी प्रोविंशियल फाइनेंस पे, कितनी ऑटोनॉमी है, कितना पैसा प्रोविंसेस में आ रहा है वगैरह वगैरह. दादा भाई नेहरू जी सर ने क्या लिखा, पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को प्रोपगेट किया था. 3 बार कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं. किस किस ईयर ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे ये बताइएगा. रस्ट गुफ्तार जनरल चलाते थे. बी आर अम्बेडकर सर के बारे में बात करें तो अभी हम कुछ इमेजेस के थ्रू इनके बारे में बात करेंगे. ये अलॉन्ग विद तेज बहादुर सप्रू सर, ये जो थे ना, ये दो ही आई थिंक फेमस प्रोपोनेंट्स हैं या जो फेमस इंडियंस हैं जिन्होंने कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, ये याद रखिएगा. प्लस पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना पैक्ट, उससे पहले क्या हुआ था कि कम्युनल अवार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था जो आपके क्या बोलते हैं अनटचेबल्स हरिजन्स हैं उनके लिए. और गांधी जी ने बोला नहीं नहीं इससे तो वो हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे जो हरिजन्स हैं, और
वो उसको नहीं माने, मतलब गांधी जी ने नहीं माना इस बात को कि नहीं ये गलत है, मैं इसके अगेंस्ट हूं, और वो यरवदा जेल में फास्ट अंटू डेथ पे चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, पूना पैक्ट साइन हुआ अंबेडकर सर के और मदन मोहन मालवीय सर के बीच में। मदन मोहन मालवीय रिप्रेजेंटेटिव थे गांधी जी के, लेकिन बहुत खुश नहीं थे अंबेडकर सर। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कहीं अगर स्टेटमेंट आ जाए कि पूना पैक्ट के बाद अंबेडकर सर बहुत खुश थे वगैरह वगैरह, तो आप बोलोगे गलत बात है ये, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया था अंबेडकर सर ने कि कम्युनल अवार्ड क्यों जरूरी है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, विच हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट 2021 द मिलिटेंट नेशनलिस्ट थॉट। मतलब एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट या जो रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजीज थी उसको वो सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब एक तरह से वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से मॉडरेट लीडर कौन है। ठीक है, लाला लाजपत राय के बारे में पता है कि आपको भी, वो भी थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे के मित्रा सर, कृष्ण कुमार मित्रा, ये मॉडरेट थे। पहले इन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया, उसके बाद क्या हो गया कि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का इंडियन नेशनल एसोसिएशन है उसके पार्ट बन गए थे वो, बाद में जब कांग्रेस बना तो उसके मॉडरेट फैक्शन के अंदर ये आते थे। तो ये जो हैं ये मॉडरेट थे। अब आपका काम, आपका काम ये है, अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में ना मेरे को एक एक लाइन में ये बताइए कि अश्विनी कुमार दत्त सर अगर एक्सट्रीमिस्ट थे तो क्यों थे, क्या किया उन्होंने। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर सर अगर वो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने क्या किया। लाल लाजपत राय के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि उन्होंने क्या किया। इन दोनों के बारे में आप बताइए अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में, नहीं पता है तो पढ़िए और ये गेन कर लीजिए नॉलेज, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं, और यही है आपके कृष्ण कुमार मित्रा सर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन द ईयर 1911 हु अमंग द फॉलोइंग, अब मैं इस क्वेश्चन का ना आपको पर्सपेक्टिव बताऊंगा। यूपीएससी में जनरली इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, अब मैंने बोल दिया थोड़े कम आते हैं, अगले साल यूपीएससी दे देगा। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे, किसने फॉर्म किया। तो आंसर क्या होगा इसका, NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी। अब मैं यहां पे ना इस ये सोशल सर्विस लीग, अब अगर आप ईपीएफओ का पेपर देखोगे, सिलेबस देखोगे, तो उसमें ना ट्रेड यूनियन, लेबर लॉज, इन सब से भी रिलेशन है। एनएम जोशी सर जो थे AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके पार्ट थे। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इसको हिस्ट्री में रखा, हो सकता है ये ट्रेड यूनियन लेबर लॉ पर्सपेक्टिव से यूपीएससी ने क्वेश्चन डाला हो। सो कोई भी गेम हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़ा। तो सोशल सर्विस लीग, एनएम जोशी और ये AITUC जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उससे एसोसिएटेड थे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रेड यूनियन एस्पेक्ट भी है, मतलब दो जो पार्ट है सिलेबस का ईपीएफओ का वो यहां मर्ज कर रहा है, ट्रेड यूनियन लेबर लॉ प्लस जो हिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, कहाँ आए थे उस पहला पब्लिक अपीयरेंस। वो ये पूछे पहला मूवमेंट क्या था वगैरह वगैरह, जैसे केक एक निमोनिक होता है ना कि चंपारण केक, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये ऐसे करके पार्टिसिपेशन। वही पूछे पब्लिक अपीयरेंस, पहली बार पब्लिक में कब अपीयर हुए। आंसर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहां अपीयर हुए। अब आपको ना यहां से तिल का तार निकालना है, कहने का क्या मतलब है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किन्होंने एस्टैब्लिश किया, मदन मोहन मालवीय सर ने अलॉन्ग विद एनी बेसेंट, इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और भी लोग इन्वॉल्व थे बट ये दो मेजर फिगर थे। और मदन मोहन मालवीय उनको महामना भी बोलते हैं, हिंदू महासभा फॉर्म करने में उनका बहुत बड़ा रोल है, उसके बहुत क्रिटिकल पार्ट थे वो, और रेस्पॉन्सिविस्ट। स्वराज पार्टी जो था ना उसमें ना बाद में क्या हो गया था, एक ग्रुप बन गया था रेस्पॉन्सिविस्ट का, थोड़ा कम्युनल ग्रुप बन गया था, अब ऐसे बोलते नहीं है, आप समझ सकते हो रेस्पॉन्सिविस्ट और नॉट सो रेस्पॉन्सिविस्ट पीपल। उसमें आपके लाला लाजपत रॉय भी आते थे रेस्पॉन्सिविस्ट में, मदन मोहन मालवीय भी आते थे। ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि हम मदन मोहन मालवीय की बात कर रहे थे, आपको कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए। देखिए हमने क्वेश्चन किया था गांधी जी के बारे में, गांधी जी से BHU पहुंचे, BHU से मदन मोहन मालवीय एनी बेसेंट मैम पे पहुंचे, और उससे हम यरवदा जेल पे आ गए। अभी हमने थोड़ी देर पहले पूना पैक्ट की बात की थी, हमने देखा था कि गांधी जी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे पूना पैक्ट में वो मदन मोहन मालवीय थे, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी पे क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट मीन्स गांधी जी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। सॉल्ट मार्च टू डांडी कहां से स्टार्ट हुआ, बहुत लोगों को लगता है ना कि डांडी मार्च मतलब डांडी से स्टार्ट हुआ, डांडी नहीं, साबरमती टू डांडी है, डांडी पहुंचना है, तो स्टार्ट कहां से हुआ, साबरमती आश्रम से। आपको लगेगा सर ये तो बहुत ईजी है, बहुत लोग गलत करते हैं, आप मानोगे नहीं। तो इसका आंसर क्या है, बी, ये पूरा एक पाथ है साबरमती से डांडी का, और आप ये जो मेरे पीछे जिबर जाबर देख रहे हो ना, ये उसमें उन्होंने लेटर लिखा है गांधी जी ने अरविंद को कि ब्रो आई एम गोइंग टू डू दिस डांडी मार्च, स्टॉप मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। 2 मार्च को लिखा है इन्होंने 1930 को, और आई थिंक 12 मार्च से स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, और अप्रैल 6 में पहुंचे थे, मतलब 10 दिन के बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और यहां लिखा हुआ भी है सत्याग्रह आश्रम साबरमती, ये वो लेटर है
आपको ये जो पीपीटी मिल जाएगा आप ये लेटर पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, कितना शानदार इंग्लिश है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु प्रोड्यूस द पीरपुर रिपोर्ट 1938, किसने प्रोड्यूस किया? आंसर क्या है? मुस्लिम लीग ने। 1937 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग की बहुत बेइज्जती हुई, 4-5% मुस्लिम वोट मिले उनको ऑल ओवर इंडिया में, तो उनको लगा कि अब तो कुछ तूफानी करना पड़ेगा, लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, और उन्होंने ये मतलब प्रोपगेट करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के राज में मुस्लिम नहीं रह सकते हैं। ये सब भी प्रोपगेट किया कि वंदे मातरम सॉन्ग जो है एक तरह से ये बोलता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भगा दें मुसलमान को यहाँ से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। तो ऐसी कुछ चीज़ें इन्होंने शुरू की, ये जो प्रोपगेंडा था यही एक पीरपुर रिपोर्ट, एक वन ऑफ दी प्रोपगेंडाज है। तो AIML जो है 1937 के इलेक्शंस में उसको 4.4% वोट मिले, और यहाँ पे मुस्लिम लीग और 1937 इलेक्शंस, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही थी, और 1938 में उन्होंने ये पीरपुर रिपोर्ट लेके आए थे। ऐसे और भी रिपोर्ट्स थे, शरीफ रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट। तो ये कुछ बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। इसमें एनसीईआरटी के काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं, एनसीईआरटी का हमारा बैच चलेगा और चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। जैसे मैं क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी लूँगा, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी कवर करूँगा, प्री मेंस हर पर्स्पेक्टिव से कवर करेंगे, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, हर जगह आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे भी काफ़ी क्वेश्चंस थे जिनका की कोनोटेशन एनसीईआरटी में था, बट टोटली आप पे है। और फी जो है 4999 है, 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एनसीईआरटी 15 कोड यूज करने पे। सो दैट्स इट सरन मैम, हो गया। अब मैं जा रहा हूँ और इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, होपफुली आपको हेल्प करेगा आने वाले ईपीएफओ एग्जाम में। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून।